जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ पूजा। मेरे आसपास भीड़ और जो नीचे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं रोड की, तो नीचे रोड में जितने भी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं उससे आपने कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लिया होगा भीड़ को देख कर कि जो है अभी हम MEPG कॉलेज में मौजूद है और यहाँ आसपास भीड़ के द्वारा आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कहीं ना कहीं जो है कल से चुनावी दौर शुरू हो गया है छात्र संघ का और जो है 7 तारीख को चुनाव होना है छात्र संघ का। इसी के साथ ही MEPG कॉलेज में अध्यक्ष समेत 11 पदों के लिए 208 पर्चे बिके हैं और आज जो है नामांकन शुरू हुआ है 11 बजे से 3 बजे तक का, और जो है जो कॉलेज में है उसके अंदर तो जो छात्र हैं उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि बाहर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाएं आपको किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है बच्चों की और जो छात्र संघ जो पद के लिए उठे हुए हैं उनकी भी भीड़ लगी हुई है और सामने जो है रैली आ रही है और पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। अगर हम आधे किलोमीटर में देखें, 50 मीटर में देखें, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है कि कोई ना जो है यहाँ पर कोई बड़ी अनहोनी ना हो। तो देखते हैं, लोगों से बात करेंगे, अभी भी एक रैली आ रही है तो चलिए बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने अभी जो हमने आपको रैली के कुछ दृश्य दिखाए, ये ABVP की है, इसमें जो है महिला कॉलेज के और MEPG कॉलेज के जो है उठे अध्यक्ष पद के लिए उनकी भव्य रैली यहाँ पे निकाली गई है, नामांकन रैली यहाँ पे निकाली गई है और अभी और भी जो है रैली निकल रही है उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनावी जो माहौल है गर्मा रहा है और कहीं ना कहीं जो है भव्य तरीके से यहाँ पर रैली निकाली जा रही है, आगे भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं जिस तरीके से अभी आपने तस्वीर में आपको दिखाया कि ABVP की अभी भव्य रैली यहाँ से निकाली है, नामांकन रैली जो निकाली गई है, और अभी कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हेलो सर, आपका नाम? मेरा अनुराग नाम है। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, किस तरीके से तैयारी की गई है? इस बार ABVP की काफ़ी अच्छी तैयारी है, हो सकता है ABVP से हो जाए, सूरज रमोला जीत सकता है इस बार क्योंकि छात्र संघ काफ़ी अच्छा है इनका, और हो सकता है दूसरी अपोजिट पार्टी भी जीत सकती है, कुछ पता नहीं है। वैसे ABVP का कुछ ज़्यादा अच्छा क्रेज चल रहा है। नाम? नाम गौरव है। इस बार ABVP निश्चित रूप से ही इस बार मैदान पर उतरेगी और सूरज सिंह रमोला अध्यक्ष प्रशासी की विजय बहुमत, अच्छे बहुमत से विजय करेंगे। और अदर पार्टी का तो यह है कि पिछले बार तकर रोना धोना यह झूठी भ्रम फैला के यहाँ पे चुनाव जीता गया है, इस बार सूरज सिंह रमोला जो विगत 7 वर्षों से लगे हुए हैं मैदान पर और उन्हें काफ़ी मेहनत भी करी, बच्चों के बीच में भी उनको जानते भी हैं लोग और मेहनत भी करी है कोरोना काल से लेकर अभी तक का, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। इस बार सूरज सिंह रमोला की पिछली बार हार देखने को मिली थी ABVP को, इस बार क्या मानते हैं आप? इस बार अच्छा खासा, देखिए इस बार बच्चे उतरे हैं, सब सच्चाई पता है। पिछले बार देखो भ्रम फैला के ये बात करके सब वादे झूठे किए गए हैं, कॉलेज में कोई विकास के नाम पर जितना बोला गया था उतना विकास हुआ कॉलेज नहीं हुआ, सभी बच्चे देख रहे हैं वो। और उसके बाद तस्वीर आपको 7 तारीख को चुनाव की शाम को परिणाम मिल जाएंगे, सूरज सिंह रमोला की निश्चित रूप से जीत होगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं निर्दलीय से जो उठे हैं उनके द्वारा यहाँ पे रैली निकाली गई है और पुलिस प्रशासन की मैं बात करूँ तो भारी संख्या में यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है। तस्वीरों में अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी आपको दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे भव्य रैली निकाली जा रही है निर्दलीय के, और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी ABVP की रैली और अभी आप देख सकते हैं निर्दलीय जो अध्यक्ष के पद के लिए उठे हैं उनकी रैली निकाली जा रही है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारी संख्या में यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है और जो बच्चे भी हैं यहाँ पे खड़े हैं और जो है अपना प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। तो अभी आगे भी हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए लोगों से भी बात करेंगे, आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन आज किया जा रहा है, प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? तो देखा आपने 7 तारीख को चुनाव होने वाला है और अब जो है 7 तारीख को ही पता चलेगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। इसी के साथ ही JJN न्यूज़ ने आज आपको दोनों की रैली दिखाई, निर्दलीय से जो उठे हैं और इसी के साथ ही जो है ABVP से जो उठे हैं, और इसमें जो है महिला कॉलेज की जो अध्यक्ष पद के लिए उठी हैं जो प्रत्याशी उठे हैं उनकी भी, उन्होंने भी आज इसमें रैली निकाली थी। तो ये थी JJN की खास रिपोर्ट, मैं अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ पूजा, JJN न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।